दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के अरबपतियों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। इनके पास अरबों की दौलत होंगी ही, लेकिन क्या एक भिखारी के बारे में आपने कभी सुना या देखा है जिसके पास करोड़ों की दौलत हो? आज हम एक ऐसे ही भिखारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है और इसके पास 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का APS टॉक में। वैसे तो भिखारी शब्द अक्सर पैसों के संकट, खाने की संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों, फटे पुराने कपड़े और बिखरे बाल से जोड़ा जाता है। ये समाज के सबसे गरीब वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं। हालांकि भीख मांगना कुछ व्यक्तियों के लिए एक पेशा बन चुका है और वो इससे करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर भिखारी भारत के मुंबई शहर में रहता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्तर पर भरत जैन दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में पहचाने गए हैं। यह मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। मुंबई के रहने वाले भरत जैन ने 7.5 करोड़ रुपए यानी कि $1 मिलियन की कुल संपत्ति बना चुके हैं। भीख मांगने से ही उनकी मंथली कमाई 60,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक होती है। भरत जैन के पास मुंबई में 1.2 करोड़ रुपए का 2 बेडरूम वाला फ्लैट है और उन्होंने ठाणे में 2 दुकानें बनवाई है जहां से उन्हें हर महीने 30,000 रुपए किराया मिलता है। भरत जैन को अक्सर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स या आज़ाद मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर भीख मांगते देखा जा सकता है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भरत जैन मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने का काम करते हैं। भरत जैन 10 से 12 घंटे के भीतर प्रतिदिन 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये जुटा लेते हैं। अपने व्यवसाय से इनकम होने के बावजूद भरत जैन और उनका परिवार परेल में 1 BHK डुप्लेक्स निवास में रहता है। उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य एक स्टेशनरी स्टोर संचालित करते हैं। भरत के पास आय का अर्न सोर्स तो है, तो उनका परिवार है उन्हें भीख मांगने देना बंद करने की सलाह देता है, तो वह नहीं मानते हैं। अगली बार आप जब किसी भी भिखारी को भीख दे तो याद रखें, किसी भिखारी को कैश में कुछ ना दे। हमारे देश में भीख मांगना एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और कई गिरोह बच्चे को इस धंधे में धकेल देते हैं। आपका इस विषय पे क्या सोचना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।